नाजरीन अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, A99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए कत्ल के मामले को 48 घंटे में हल कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक दो रोज कबल राजू नामी शख्स, जो घरों में सरके की वारदातों को अंजाम दिया करता था और जिसके सर दो कत्ल के भी मामले दर्ज थे, ये पेशे से मजदूर था, जिसे दो रोज पहले इसकी बीवी ने गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी थी। बाद इसके पुलिस को इसकी लाश मिलने पर पुलिस ने ये शोबा जाहिर किया था कि राजू की मौत पीने की वजह से कुदरती तौर पर हुई है, लेकिन पुलिस ने कत्ल के भी नजरिए को नजरअंदाज नहीं किया। उसे जारी रखते हुए पुलिस ने इस मामले में तहकीकात करते हुए ये पता लगाया है कि राजू की मौत के पीछे इसी के ससुराली रिश्तेदारों का हाथ है, जिसमें इसकी बीवी, सास और दो साले मुलविस है। ACP श्री अशोक चक्रवर्ती ने तफसीलात बताते हुए तमाम जरायम की तफसीलात दी, जिसमें इन्होंने कहा कि राजू की मौत किस तरह से हुई। इन्होंने कहा कि राजू अपनी बीवी पर हराशा करता था, रोजाना पीकर इसे मारा करता था, जिसके सबब इसकी बीवी ने राजू को और इसके भाइयों के साथ मिलकर इसका कत्ल कर दिया। आइए नाजरीन, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वजीर की एक तफसीली रिपोर्ट। मैंने सर के आया, हम लोग ऊपर से चोरी करते नीचे गिराया, वो समझे तो ऐसा नहीं होता, इसको गला दबा के मारे सर का, एक इन करके चेक करे तो पहले कंप्लेंट लिए बीवी का, पहले एक एक सस्पिशियस मर्डर केस में केस रजिस्टर करे, तो हम शुरू से हमको उनके शुमला था, उसकी बीवी के ऊपर थोड़ा शक भी था। अच्छा, ये भी सोचिए बीवी का क्यों बोलेंगे, बोल के हम लोग पूरे घर वालों को लाए, भाइयों को लाए, उसके साथ वालों को लाए, मर्डर केस रजिस्टर करके एग्जामिन करके पूरे दिन ले आके पोस्टमार्टम भी करा दिए। पोस्टमार्टम में ये निकला कि इसका गला थ्रॉटल करके मारे बोल के रिपोर्ट आया अपने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में। तो मेड क्या करे, वहाँ आजू बाजू आई विटनेस कोई नहीं था, तो रात के उन्हें बीवी क्या बोली, 10 बजे घर से निकला बोल के बोली। तो हम पूरे अतराज ये यादव भवन के पास आस पास गलियों में पूरे CCTV फुटेज भी चेक करना चालू करे, हम 8-9 घंटे पूरे हर एक घर के में, वहाँ करीब में कुछ भी फुटेज नहीं था। तो अप्रोच रोड जितने भी रोड आए पूरे रोडों के ऊपर से पूरे बैठ के 10-8 टीमों को आगे CCTV फुटेज चेक करने के लिए हमारे जवानों को 8 टीम बना के हमारे क्राइम इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और SI क्राइम टीम पूरे ये काम में लगे हुए थे। तो रात में हम फुटेज ये निकला कि रात के 12:30 तक ये सुमलता, उसकी बीवी और उसके साथ वेंकट अम्मा दोनों आ रहे थे, फिर 15 मिनट फिर जा रहे पैदल। तो लोग फिर पूछे तो क्या, बीवी तो बोली 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकली बोल के बोली, एक झूठ बात बोली। उठा उठा के फिर पूछे तो नहीं, दवाखाने में कोई गांधी हॉस्पिटल को दवाखाने में थे बोल कुछ और एक बात बोली। तो गांधी हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता ये नहीं होता, तो वो भी पूछे, तो सस्पिशियस था उसका आंसर भी सस्पिशियस था। तो फिर घर में कौन कौन थे बोल के तो इंटरागट करे, तो उसके पूरे भाइयों को भी लाए, एक अंजी और कुंडे बोल के। बाद में टूटे के बाद इन्फॉर्मेशन ये मिला कि घर में उसको ट्रैवल करके यहाँ लाके उसको छोड़ दिया बोल के इन्फॉर्मेशन मिला। तो बाद में सर्च करे तो क्या भागे होते उस दिन के, उन्हें बीवी क्या करी, नेक्स्ट डे उसका फ्यूनरल हुआ, मोहता हुआ, तो मोहता में बीवी नहीं आई, साथ भी नहीं, ये लोग भी नहीं आए, क्यों नहीं आए बोले तो आज भागे जब से अपस्टैंडिंग ही थे, क्यों बोलते तो उसके भाई मारते डर को नहीं आते बोल के था, वो भी हम सही है बोल के सोचे, लेकिन पहले से हम लोगों को शक था कि उसकी बीवी को मालूम है क्या हुआ बोल के। तो फुटेज चेक करने के बाद 80% डाउट उधर ही गया हमको। तो बाद में ये क्लियर कंफर्म हुआ कि उसको बीवी साथ में मिलके मारे बोल के कन्फर्म हो गया। तो आज उसके बीवी को राउंड अप करे कुलसुमपुरा लिमिट्स में, उसके सास भी कंप्लीट राउंड अप करे, और वेंकटेश और अंजी दोनों भाइया इंटू करे तो क्या, आज वो लोग कुबू ले वो लोग एडमिट करे हो सब। रात में हमारा बहुत सताता था मेरे को, ठीक है हर दिन मारता था, तो हम एक हफ्ता पहले डिसाइड